एजोस्पर्मिया के बारे में बात करेंगे। एजोस्पर्मिया माने कि नील स्पर्म कौन, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को अपनी अलग अलग सिनारियो होती है। आज सिर्फ एक FNAC के टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो पेशेंट्स एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं जिनको स्पर्म काउंट नील आ रहा है, वो कैसे चेक करें कि उनका स्पर्म काउंट एक्चुअली अंदर बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। एक टेस्ट होता है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। बट उसमें क्या होता है कि उससे पहले कुछ चीज़ें हमें और चेक करनी होती है, जैसे कि अगर आपका स्पर्म काउंट सीमन एनालिसिस में नील भी आ रहा है तो उसमें भी हमने पर्टिकुलरली अलग अलग चीज़ों को पहले गो थ्रू होना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सीमन एनालिसिस नील है, उसके बाद एक टेस्ट करवाइए अपना अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम का। अगर उसमें कोई चीज़ हमें नज़र आती है तो समझ लेना कि वहाँ पर हम सेफर साइड है या वहाँ पर हम की ब्लॉकेज का रीज़न हो सकता है। सेकंड क्या होता है कि उसमें भी क्लियर नहीं आ रहा कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा या फिर कुछ ऐसा नहीं आया, तो एक MRI का भी टेस्ट होता है। MRI का टेस्ट होता है जिसमें हमें ये क्लियर हो कि अगर वो नहीं तो उसमें हमें एक्चुअली फिगर आउट हो जाए कि क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स जो होती है वो ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होती, और MRI की जो रिपोर्ट्स होती है वो डिटेल्ड होती है, इस वजह से MRI में हम पकड़ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर वहाँ पर भी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही, तब आप FNAC करवा सकते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होती है। और उसके अंदर आपके टेस्टिकल का सैंपल लेकर हम ये चेक कर सकते हैं कि बेसिकली अंदर स्पर्म है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनकी FNAC की रिपोर्ट में सिर्फ यही लिखा होता है कि सर्टोली सेल्स है, जर्म सेल्स है, ठीक है, लीडिंग सेल्स है, तो उसमें ये क्लियर होता है कि वहाँ पर स्पर्म नहीं मिल रहा, उनको मैच्योर स्पर्म नहीं मिल रहा। और जब मैच्योर स्पर्म नहीं मिल रहा तो इट मींस कि वो पूरी की पूरा जो प्रॉब्लम है वो टेस्टिकल्स अपनी पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल नहीं बना रहे, तभी वो बीच के कभी भी सर्टोली सेल्स, जर्म सेल्स, लीडिंग सेल्स पे दिखाकर छोड़ देते हैं। अब वहाँ पर पेशेंट कहता है कि ये चीज़ क्योरेबल है या नहीं। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि पेशेंट इनसे भी क्योर हुए हैं, बट उनकी रेशो ऐसा सच नहीं होती कि बहुत ज़्यादा क्योर के आसपास पहुंच सकते हैं। क्योंकि बहुत मिनिमम पेशेंट होते हैं जिनके हमने FNAC की रिपोर्ट में सर्टोली सेल्स देखे थे, बट उनका अगर हमने 2-3 बारी टेस्ट करवाया तो उसमें हमें 3री या 4थी रिपोर्ट में जाकर कुछ स्पर्म काउंट नज़र आए। बट ये होता है कि यहाँ पर पेशेंट ये कहता है कि मैं बाप बन सकता हूँ या नहीं बन सकता, तो बेसिकली वहाँ पर आता है कि अगर आपके कुछ भी स्पर्म काउंट आ जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है, वो है IVF का। आप IVF करवा सकते हैं, उसमें कोई ख़राबी वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो आपके सीमन से स्पर्म निकाल कर उसमें फिर लैब में जाकर एक एम्ब्रियो या फीटस में डेवलप करके वो इम्प्लांट किया जाता है। यहाँ पर सिंपली आपका स्पर्म रिक्वायरमेंट होती है या आपके स्पर्म की रिक्वायरमेंट बनती है। तो अगर आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं और नील स्पर्म काउंट के साथ हैं तो शायद आप अपनी रिपोर्ट्स करवा सकते हैं अपने आसपास किसी से, या गूगल पर सर्च करके आप चेक कर सकते हैं कि आसपास FNAC कौन करता है, या फिर आप किसी अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर के पास जाकर एक प्रिस्क्रिप्शन बनवा लीजिए कि ये प्रॉब्लम आई किससे है। और अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप उससे थोड़े बहुत क्लियर हो जाते हैं। इसी के साथ अगर आपको नील स्पर्म काउंट की कोई दिक्कत है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं, मेरी टीम आपके साथ रहेगी। और उससे पहले मैं आपको कुछ बिफ़ोर आफ्टर की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो आपको बताए कि एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स क्योर होते हैं। तो ये देखिए बिफ़ोर आफ्टर की रिपोर्ट्स। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, तो आप मेरे को अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप कीजिए और मेरी टीम से बात कीजिए, उसका एक राइट सॉल्यूशन लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।